को बादल गुप्ता का नमस्कार। आज मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो बहुत ही क्लियर है। आज मुजफ्फरपुर के आरजीबीएम कॉलेज में स्वर्गीय महेंद्र शाही का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था, जिसकी अध्यक्षता माननीय एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर ने की। और उसमें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री विजय कुमार चौधरी, उनका आगमन हुआ। आगमन के पश्चात जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के जो कुछ साथी हैं हमारे, वो लोग भी गए अपना मांग को रखने के लिए, ज्ञापन देने के लिए कि ब्लाइंड फेडरेशन केस का मेंशनिंग करवाया जाए। यही मुख्य बिंदु था हमारे ज्ञापन का। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, कुछ लोग चले गए, मैं वहां उपस्थित था, मेरे साथ एक और शिक्षक है वो भी उपस्थित थे। सभा के समापन के पश्चात हमारी मुलाकात हुई माननीय शिक्षा मंत्री से। पहली दफा मुलाकात हुई हमारी, अच्छे विचारधारा के हैं, तो उनको मैंने सब चीज़ों से अवगत कराया। तो सर ने आश्वासन दिया है कि 5 तारीख को केस के लिए सोम या मंगलवार को विभागीय आदेशानुसार एडवोकेट ऑफ जनरल कोर्ट में उपस्थित होंगे और इस केस को डिस्पोजल करने के लिए लीव लेने के लिए मेंशनिंग करवाया जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव न्यूज निकल के आया है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा निकल के आया है। तो हम, चूंकि बात यह है कि हम लोगों में नकारात्मकता काफ़ी फैली हुई है, चूंकि सरकार का जो रवैया रहा है वो बहुत ही ढुलमुल किस्म का रहा है, बार बार अपने बातों पे अड़िग नहीं रहते हैं, तो लोगों में फेथ कम हो गया है गवर्नमेंट के प्रति, या फेथ है ही नहीं, तो इसलिए। लेकिन फिर भी हम लोगों को निराश और हताश तो होना नहीं है, हम लोगों को जो है अपना लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसी में रह के, इसी बीच में रह के अपने आप को आशावादी ही रखना है। निराशावादी बन के कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो हमने अपनी बातों को तो सर रखा है, सभी लोगों ने समर्थन भी किया है और शिक्षा मंत्री ने भी आश्वस्त किया है हमको कि इसका जल्द से जल्द इजाज़त निकाला जाएगा, सोम या मंगलवार को आपका काम किया जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सभी साथी इंतजार करें, अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है सोम या मंगल तक तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बाय द वे अगर गवर्नमेंट का रवैया हम लोगों को बरगलाने का ही रहा तो महाआंदोलन 2 करेंगे। थकिए नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई हो जाएगी, ब्लाइंड केस की जो सुनवाई होनी है बिहार शिक्षक प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के, उसको संबंध में कि इसकी सुनवाई हो जाएगी और उस दिन लीव मिल जाएगा, हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि मेंशनिंग नहीं हुई है, 195 नंबर पर केस लिस्टेड है, और 195 नंबर पर अगर हमारा केस लिस्टेड है तो उस दिन निश्चित रूप से सुनवाई नहीं हो पाएगी। इसी से संबंधित मुजफ्फरपुर की टीम पहुंची है एलएस कॉलेज, जहां पे शिक्षा मंत्री जी का आगमन हुआ है। मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज में मूर्ति अनावरण के उपलक्ष में शिक्षा मंत्री जी आए हैं यहां पे मूर्ति अनावरण करने के लिए, और मुजफ्फरपुर की टीम उन्हें यह याद दिलाने के लिए पहुंची है कि सर आपने सदन में कहा था कि 5 अप्रैल को मेंशनिंग सुनवाई हो जाएगी और इसको इस संबंध में, इस केस में लीव मिल जाएगी। लेकिन क्या आप इस बात को बोल करके क्या भूल गए? अगर भूल गए हैं तो सर प्लीज याद कर लीजिए और देखिए किस तरह से बिहार के युवा, बिहार के शिक्षक बेरोजगार किस तरह से मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। वैसे आप लोग बने रहे जीवी न्यूज के साथ, जो भी अपडेट आती है वो मैं आप लोगों को बहुत सबसे पहले और बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। क्या मुजफ्फरपुर टीम शिक्षा मंत्री से बात कर पाती है, नहीं कर पाती है, अपनी संज्ञान उन्हें सौंप पाती है या नहीं पाती है, इन सभी सारी चीजों का अपडेट मैं आप लोगों को बहुत जल्द दूं। फिलहाल मैं आप लोगों को छोड़ जाता हूं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक समय कम है
और भी आगे जाना है, इसलिए जो समय हम लोग को मिला है उसका हम लोग सदुपयोग करें, कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, वो एक टीचर से हो रहे हैं, हम लोग एक बार ताली बजा करके मंत्री जी का सम्मान करें, स्वागत करें। आगे से कृपया भीड़ न लगाने को ज्यादा अच्छा है। राजीव जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय को माल्यार्पण के लिए रघुवर स्वामी प्रेस के लिए ये दर्शक देगा। हाँ, जो स्टेज है वहाँ पर प्रेस प्रतिनिधियों के लिए कुर्सियाँ लगी है, उनसे आग्रह है, हमारे शिक्षक बंधु कृपया सामने खड़े ना हो, आप लोगों से आग्रह है कि आगे से जगह खाली कर दे तो ज्यादा अच्छा है। अरे जाइए ना, भगवान बाबू। राजीव जी, माल्यार्पण, माननीय अतिथि, अध्यक्ष जी, मंत्री भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री राम सूरत राय जी, सब लोगों को माल्यार्पण करें। आइए, शिक्षकों को बादल गुप्ता का नमस्कार। आज मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो बहुत ही क्लियर है। आज मुजफ्फरपुर के RGBM कॉलेज में स्वर्गीय महेंद्र शाही का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था, जिसकी अध्यक्षता माननीय MLC देवेश चंद्र ठाकुर ने की, और उसमें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री विजय कुमार चौधरी, उनका आगमन हुआ। आगमन के पश्चात जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के जो कुछ साथी हैं हमारे, वो लोग भी गए अपना मांग को रखने के लिए, ज्ञापन देने के लिए कि ब्लाइंड फेडरेशन केस का मेंशनिंग करवाया जाए, यही मुख्य बिंदु था हमारे ज्ञापन का। तो हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, कुछ लोग चले गए, मैं वहाँ उपस्थित था, मेरे साथ एक और शिक्षक है वो भी उपस्थित थे। सभा के समापन के पश्चात हमारी मुलाकात हुई माननीय शिक्षा मंत्री से, पहली दफा मुलाकात हुई हमारी, अच्छे विचारधारा के हैं, तो उनको मैंने सब चीज़ों से अवगत कराया। तो सर ने आश्वासन दिया है कि 5 तारीख को केस के लिए सोम या मंगलवार को विभागीय आदेशानुसार एडवोकेट ऑफ जनरल कोर्ट में उपस्थित होंगे और इस केस को डिस्पोजल करने के लिए लीव लेने के लिए मेंशनिंग करवाया जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आया है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा निकल के आया है। तो हम, चूँकि बात यह है कि हम लोगों में नकारात्मकता काफ़ी फैली हुई है, चूँकि सरकार का जो रवैया रहा है वो बहुत ही ढुलमुल किस्म का रहा है, बार बार अपने बातों पे अड़िग नहीं रहते हैं, तो लोगों में फेथ कम हो गया है गवर्नमेंट के प्रति, अब फेथ है ही नहीं, तो इसलिए। लेकिन फिर भी हम लोगों को निराश और हताश तो होना नहीं है, हम लोगों को जो है अपना लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसी में रह के, इसी बीच में रह के अपने आप को आशावादी ही रखना है, निराशावादी बन के कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो हमने अपनी बातों को तो सर रखा है, सभी लोगों ने समर्थन भी किया है और शिक्षा मंत्री ने भी आश्वस्त किया है हमको कि इसका जल्द से जल्द इजाद निकाला जाएगा, सोम या मंगलवार को आपका काम किया जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सभी साथी इंतजार करें, अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है सोम या मंगल तक तो